दोस्तों मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 26 नवंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों जैसे कि आज मार्केट रिकॉर्ड हाई से गिर गया तो ये मार्केट में बुल रैली हॉल्ट हो गया या फिर यहाँ से मार्केट नीचे रिकवर होगा या नीचे जाएगा ये हम लोग देखेंगे। और कल जैसे कि मंथली एक्सपायरी भी है तो मंथली एक्सपायरी कहाँ पे क्लोज होगा ये हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं, डेली वीकली और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियो है, वो देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कल के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। मार्केट जैसे कि यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी जैसे कि 545 डाउन है। निफ्टी लगभग टॉप से 300 पॉइंट्स डाउन आ गया और बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छा ओपन हुआ था। जब भी राउंड फिगर को अप्रोच कर रहा था कल निफ्टी ने जो है कि 13000 के ऊपर क्लोज दिया। आज बैंक निफ्टी जो है कि 30000 के ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। एक क्यों होता है ऐसे कि जैसे जबकि कोई एक राउंड फिगर को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। न्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मैं न्यूज के ऊपर ज्यादा ही नहीं करते हुए हम लोग लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको जो ये इतना बुल रैली हो रहा है ये हॉल्ट हो गया क्या या फिर ये बुल रैली खत्म होकर बेयर रैली शुरू हो सकता है डाउन साइड में। तो हम लोग पहले पूरा चार्ट देख लेते हैं। तो कभी भी हम लोग चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल में हम लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इज सेम। तो हिस्ट्री रिपीट होते रहता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक वन साइड रैली के बाद एक बिग कैंडल आ गया और यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया। उसके बाद एक बिग रैली हो गया, एक बिग कैंडल आ गया, हॉल्ट किया मार्केट, फिर से रिज्यूम हो गया और जो आज का एक कैंडल। तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी दिखती है। तो इसका ये मतलब ये है कि ऐसे कुछ बड़े ड्रॉप के बाद एक तो मार्केट कुछ दिन के लिए हॉल्ट होता है और हॉल्ट होने के बाद फिर से ये बड़ा जो ट्रेंड है उसमें ये रिज्यूम होता है। लेकिन राइट नाउ इतना प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अभी हमको नेक्स्ट क्या इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे सभी लेवल मैंने आपको दिए थे। यहाँ पे जो चैनल है चैनल के लगभग ये अपर साइड में है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना भी एक पॉसिबिलिटी थी। अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो आज का जो हाई बना है ये जो है 13147 का ये जो लेवल है और नीचे वाला लेवल हमने ऑलरेडी बनाया था 12830 वही लेवल के आसपास देखिए मार्केट अपना यहाँ से मोमेंटम हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि अपने लेवल ऊपर या नीचे भी होते हैं तो वो वर्क होते हैं। नेक्स्ट ऊपर का टारगेट है अपना 13240 का जो है कि वो अभी तक नहीं आया। लेकिन आज जो हाई बनाया था मार्केट ने 13147 ये जो अभी है यानी कि अगर नेक्स्ट मूव होगा तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तभी नेक्स्ट मोमेंटम होगा। लेकिन आज का जो लो था उसके नीचे जाता है तो मार्केट थोड़ा नर्वस होगा और नेगेटिव हो सकता है। ऑलरेडी मैंने जो ये रेट लाइन दिया था आपको कि अगर इसके नीचे जाता है 12933 के नीचे जाता है तो एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा था। नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंस लेवल है 12430 ए लेवल जो जैसे कि मार्केट ए लेवल ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर गया था। तो मार्केट अगर नर्वस होता है तो ये लेवल मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है और वहां से बाउंस लेने का चांसेस हो सकता है। यानी कि जो ये बुल रैली चला था यहाँ पे एक हॉल्ट होने का मैक्सिमम चांस यहाँ पे लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। क्लियर है 13147 का ये जो लेवल है इसके ऊपर जब भी एक क्लोज देता है तो ये रैली है यहाँ से फिर से रिज्यूम होगा। एक शायद कल परसों भी यहाँ से भी हो सकता है बट ये पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। लेकिन लो ब्रेक करता है तो थोड़ा यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और मार्केट थोड़ा ड्रैग होने का चांसेस है। हमको यहाँ पे लेवल पे काम करना है ना कि हमको अज्यूम करना है कि आज मार्केट इतना गिर गया तो कल इमिडिएटली ऊपर जा सकता है। अभी ऊपर जाने के लिए जब भी मार्केट जाएगा तो आपको नजदीक वाला लेवल चाहिए तो 12933 है उसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी
आ सकता है। तो पूरा आप लेवल पे ऊपर ट्रेड करना है, इंट्राडे के लेवल पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये बड़ा कैंडल आया तो यहाँ पे एक क्लियर कट है, एक थोड़ा सा अपने रैली में हॉल्ट हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो 13147 का जो लेवल है उसके ऊपर जाता है तो ये रैली फिर से रिज्यूम हो सकता है। ऑलरेडी अपने इम्पोर्टेंस लेवल के नीचे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, जहाँ पे मैंने रेड लाइन कहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आने का चांसेस है। हम लोग कल के लिए भी इमिडिएटली आपको बाय या सेल करना है तो हम लोग इंट्राडे के लेवल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ऑलमोस्ट जो भी अपने लेवल होते हैं उसके आसपास ही मार्केट जो है कि क्लोज होते रहता है ऑलवेज। तो यहाँ पे 12830 ये जो लेवल मैंने कहा कि लगभग आज का लो है और अपना पहले वाला भी एक लेवल है, तो इसके नीचे मार्केट जाता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा। अगर कल आपको इमिडिएटली बाय करना है इंट्राडे के लिए सिर्फ, तो इंट्राडे का लेवल है 12879, ये जो लेवल है उसके ऊपर जाता है तो इंट्राडे में एक बार आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हो। मार्केट अगर इंट्राडे में 12933 का ये जो लेवल है उसके ऊपर जाके अगर सस्टेन होता है तो थोड़ा सा इंट्राडे में बुलिशनेस आ सकता है, बट डेली के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर सकता है डाउन साइड में ये लग रहा है। बट आप लेवल को जो है कि फॉलो करो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पिछले वाले जितने भी कैंडल आए थे जैसे कि आज आए वैसे ही भी उसका बेस क्यों बता रहा हूँ और मेरे टेक्निकल नॉलेज पे आपको बता रहा हूँ। कल जैसे कि मंथली एक्सपायरी भी है तो हम लोग ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे कि कौन से लेवल है वहां पे मार्केट, वो लेवल के बीच में मार्केट यहाँ पे क्लोज हो सकता है तो हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे। तो हम लोग ऑप्शन चेन देख रहे हैं 26 नवंबर का, कॉल साइड में हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट साइड में सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है वो अपना सपोर्ट होता है नॉर्मली, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ सबसे ज्यादा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट जो है कि 13,000 के फिगर पे है। तो ये जो है कि आपने लिए कल के लिए बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। सपोर्ट साइड में हम लोग देखेंगे तो 12,800 का यहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पोजीशन अनवाइंडिंग हो गई है तो जो जिनके पोजीशन बने उनको लगता है कि मार्केट और भी नीचे फिसल सकता है। अगर यहाँ इसके नीचे आप देखोगे तो 12,700 के यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हो गए, 12,600 के यहाँ पे भी पोजीशन अनवाइंडिंग हो गए, लास्ट में 12,500 जो है वहाँ पे थोड़े पोजीशन जो है कि यहाँ पे दिख रहे कि वो ऐड हो गए हैं, लेकिन ये बहुत दूर है। नज़दीक 12,500 अगर हम लोग कहेंगे तो बहुत ही दूर होता है, नज़दीक वाला 12,800 ये हम लोग कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर से हम लोग लेंगे, लेकिन ये सपोर्ट है कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। तो 13,000 और 12,800 एक नजदीक वाला एक लेवल है, यानी कि नीचे जो है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस है ये क्लियरली दिख रहा है। ये लेवल हम लोग अपने रेफरेंस के लिए लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये लेवल के बीच में ही मार्केट का एक्सपायरी कल होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने ज्यादा लेवल ड्रॉ नहीं किए थे और मोस्टली बैंक निफ्टी का जो चार्ट है बहुत ही अच्छा दिख रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 29,792 ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज देता तो ये अपना ब्रेकआउट होता था। मार्केट इंट्राडे में तो गया 30,000 का जो कि लैंडमार्क भी उसने अचीव किया था, लेकिन वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई और फिर से नीचे आ गया। अभी नीचे वाला अगर हम लोग लेवल देखेंगे एग्जैक्ट लेवल, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ, 28575 यहाँ का लो है, नियर लो। तो ये अगर होल्ड करता है तो अच्छा है, अगर ये ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी में भी डाउनसाइड आ सकता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये जो कैंडल बना है जैसे कि निफ्टी में भी जो कि बिग कैंडल बना है जिसको कहते हैं कि सिग्निफिकेंट कैंडल, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी फिर से अप ट्रेंड आने के लिए 30,192 के ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए, तभी अप ट्रेंड आ सकती है। इमीडिएटली डाउन ट्रेंड यानी इमीडिएटली नेगेटिविटी आ सकती है, 29,119 जो आज का लो है उसके नीचे यहाँ पे इमीडिएटली नेगेटिविटी आ सकती है। तो दोनों के भी कंडीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के यहाँ पे सेम है। यहाँ पे इंट्राडे में देखेंगे हम लोग कौन से लेवल पे बाय या सेल कर सकते हैं। तो आज का जो लो है 29,119 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी में फिर से आप सेल कर सकते हो।
और जो है कि 29,480 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक के बारे में, तो हम लोग देखेंगे रिलायंस। तो यहाँ पे देखिए कि रिलायंस ने भी खास कुछ नहीं किया, अपने रेंज में ही था। अगर वो 1982 के ऊपर क्लोज होता है तो ये आप बाइंग कर सकते हो, और सेलिंग के लिए 1893। तो यहाँ पे बिल्कुल एक रेंज बाउंड है, तो रिलायंस ये लेवल पे आपको ट्रेड करना है। कल मैंने कुछ कॉल दिए थे जैसे कि हिंडाल्को, मोस्ट ऑफ द कॉल इंट्राडे में ऊपर गए थे, लेकिन मार्केट जो है कि प्रेशर में आ गया तो नीचे आ गए, और बहुत सारे स्टॉक ऊपर ही ओपन हो गए थे। तो मैंने आपको क्लियरली कहा है जैसे कि अगर इंट्राडे का कोई लेवल देते हम लोग तो नीचे से ऊपर जाता है तभी आप बाय करो, ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आता है तभी बाय नहीं करना है। तो जितने भी हमारे स्टॉक थे यहाँ पे देखिए कि हमारे लेवल के ऊपर गए थे, लेकिन वो ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला होगा। मार्केट नेगेटिव गया तो पॉजिटिव स्टॉक में ट्रेड नहीं मिलता है। कुछ बात नहीं, हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे। तो पहला जो स्टॉक है नेगेटिव ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे अगर कल मार्केट कंट्रीब्यूशन करता है तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे एक थोड़ा रिवर्स अधिकार है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 4674 के नीचे आप इसमें सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है SBI। तो यहाँ पे SBI ने भी बहुत अच्छा रन किया है, लेकिन आज का कैंडल जो है कि एक सेलिंग प्रेशर कैंडल बन गया है। आप कल 241.50 के नीचे इसमें सेल कर सकते हो। बाइंग के लिए एक छोटा सा स्टॉक है NTPC। मोस्टली ये स्टॉक में मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, फॉर्मेशन अच्छा बन गया इसलिए मैं दिया है, और बाइंग के स्टॉक आज ज़्यादा नहीं थे। तो कल ये जो है कि 90 और 94.90 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि कल मंथली एक्सपायरी है और मार्केट का वॉलिडिटी भी बहुत बढ़ गया है, जैसे कि VIX, तो VIX भी बहुत बढ़ गया है, तो कल भी ज़्यादा एक मोमेंटम हो सकता है मार्केट में, इसलिए मैं स्टॉक भी आपको कम देता हूँ। दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने कहा वो मेरे टेक्निकल व्यूज थे, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे ही चलनी चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल ऐसे सीखना है तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ऑनलाइन सीख सकते हैं। और दिसंबर को, 7 दिसंबर को हमारा कोर्स शुरू हो रहा है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का। जिनको इसके बारे में इंक्वायरी करना है तो यहाँ पे दिए गए नंबर के ऊपर आप अपना नाम और अपने सिटी का नाम हमको सेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।